हेलो स्टूडेंट, सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न्ड अबाउट द यंग वंस ऑफ एनिमल्स एंड द बर्ड्स हु फ्लाई एंड द फिश. वी हैव सॉ द डायग्राम ऑफ द फिश, व्हाट स्केल्स ऑन देयर बॉडी, एंड वी सॉ द आईज, गिल्स एंड फिन्स एंड सो ऑन. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वी क्रीप एंड क्रॉल. वी क्रीप एंड क्रॉल, वी आर कॉल्ड इंसेक्ट्स एंड डू यू नो. सो लेट्स सी इनमें क्या है. ओके, सो हम देखते हैं अब इस टॉपिक में क्या है. सो चिल्ड्रेन, फर्स्ट क्या लिखा है, सी वी क्रीप एंड क्रॉल. क्रीप एंड क्रॉल मतलब जमीन पे या फिर दीवार पे चलने वाले जानवर. ओके, जो रेंगते हैं, जैसे होते हैं ना, रेंगते हैं वो लोग जमीन पे या फिर दीवार पे. सो क्या है, चमेलियन, हाउस लिजार्ड एंड स्नेक्स आर द एनिमल डैट क्रॉल. सो हम लोग ने सेकेंड स्टैंडर्ड में, आप लोगों को याद होगा, सेकेंड स्टैंडर्ड में चमेलियन ये लेसन पढ़ा था. चमेलियन मीन्स गिरगिट, जिसका कलर बार बार चेंज होता है. चमेलियन, हाउस लिजार्ड यानी कि छिपकली, एंड स्नेक्स यानी कि सांप, आपको पता ही है ना. ये सब क्या है, ये एनिमल्स हैं जो क्रॉल करते हैं, जो मींस जो जमीन पे या फिर दीवार पे चलते हैं. ओके चिल्ड्रेन, देन नेक्स्ट, दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. सो चिल्ड्रेन, हम लोग ने देखो फिश का पढ़ा था ना, फिश के ऊपर स्केल्स यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर निशान होता है. ओके, ऐसे ही ये एनिमल्स यानी कि चमेलियन, हाउस लिजार्ड एंड स्नेक्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारे एनिमल्स के बॉडी पे क्या होता है, स्केल निशान होते हैं. देखो स्नेक के बॉडी पे आपको दिख रहा है निशान, देखो ऐसे 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 कुछ है ना. एंड ये देखो चमेलियन के बॉडी पे भी होता है, पर ये पिक्चर में क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट होता है. ओके चिल्ड्रेन, सो नेक्स्ट क्या है, लेट्स रीड. चमेलियन एंड हाउस लिजार्ड हैव फोर लेग्स, बट दीज लेग्स आर वेरी शॉर्ट. अब देखो चमेलियन, गिरगिट और हाउस लिजार्ड यानी कि छिपकली के पास क्या है, छोटे छोटे पैर हैं उनके पास, चार पैर हैं, और वो पैर कैसे हैं उनके, छोटे छोटे हैं. ओके चिल्ड्रेन, वेरी शॉर्ट यानी कि छोटे छोटे हैं. द स्नेक्स डज नॉट हैव एनी लेग एट ऑल. और स्नेक के पास यानी कि सांप के पास कोई पैर होता है, कोई हाथ होता है नहीं, इसीलिए उन्हें हम क्रीपी क्रॉली बोलते हैं. देखो इसके पास कुछ हाथ है, कोई पैर है नहीं, वो सिर्फ एक शेप में है, वो कोई भी शेप ले सकता है. बट देखो अब आप लोग पूछोगे तो सिर्फ स्नेक को ही क्रीपी क्रॉली बोलते होंगे, नहीं, ये देखो जो चमेलियंस है, हाउस लिजार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लोग भी तो दीवार पे चलते हैं ना, इनके पास भी छोटे छोटे लेग्स होते हैं, इसलिए ये क्रीपी क्रॉली होते हैं. ओके, इनको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स. सो देखो स्नेक एनिमल है. ओके, स्नेक एनिमल है. एंड ये देखो जो हाउस लिजार्ड यानी कि छिपकली, ये क्या है, इंसेक्ट. एंड चमेलियन इंसेक्ट है. ओके, चमेलियन और छिपकली ये दोनों इंसेक्ट है. बस स्नेक क्या है, एनिमल. अब देखो सारे जो सब है ना, सारे जानवर उनके जो मतलब जितने भी, जैसे चमेलियन, आप लोग बोलोगे हम आपने टीचर हमें क्रीपी क्रॉली इंसेक्ट बताया, लेकिन इधर एनिमल क्यों लिखा है. हम जितने भी लोग हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी बर्ड्स हैं ना, उनको उन सबको एनिमल्स में काउंट किया है. ओके, इस मतलब इस लेसन में उन सारे चीज़ों को एनिमल्स के रूप में काउंट किया है. अब देखो वी आर कॉल्ड इंसेक्ट्स, हमें इंसेक्ट्स बोला जाता है. इंसेक्ट्स मतलब जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. बटरफ्लाइज हैव विंग्स टू, बट वी डोंट कॉल देम बर्ड्स. अब देखो बटरफ्लाई के पास विंग होते हैं, विंग मतलब बटरफ्लाई के पास भी पंख होते हैं, पर हम उन्हें बर्ड नहीं बोलते. सो दे आर इंसेक्ट्स, दे आर स्मॉलर देन बर्ड्स. वो इंसेक्ट्स ही हैं, वो क्या है, बटरफ्लाइज क्या है, इंसेक्ट्स है. क्योंकि देखो वो उनके जो पंख है, सॉरी उनकी साइज जो है, मतलब वो बर्ड से बड़े हैं क्या, नहीं, बर्ड से छोटे हैं. और बिसाइड्स दे हैव सिक्स लेग्स, और इसके अलावा उनके पास, बटरफ्लाइज के पास कितने होते हैं, कितने पैर होते हैं, सिक्स लेग्स होते हैं. कितने, सिक्स लेग्स. ओके चिल्ड्रेन,
एनिमल्स हैव, एनिमल्स विच हैव सिक्स लेग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट. अब देखो मैंने आप लोगों को बोला ना हम ये पढ़ेंगे तो हमें इंसेक्ट का मतलब समझ में आएगा. किसी भी जानवर के पास छह पैर है उसका मतलब वो क्या है, इंसेक्ट. ओके चिल्ड्रेन, सो बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट और इसीलिए बटरफ्लाई क्या है, इंसेक्ट हैं. मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेज आर इंसेक्ट टू. मॉस्किटो यानी कि मच्छर, हाउस फ्लाई मीन्स वो बड़े बड़े होते हैं, थोड़े मॉस्किटोज से मच्छर से थोड़े थोड़े बड़े होते हैं. कॉकरोच तो सब लोग ही जानते हैं, ये सब भी क्या है, इंसेक्ट हैं. ओके चिल्ड्रेन, सो इधर देखो पिक्चर दिया है, ये मॉस्किटो है, ये हाउस फ्लाई है. ओके एंड ये सब तो बटरफ्लाइज हैं, आप लोग जानते ही हो. एंड नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बैट्स हैव विंग्स. अब देखो पहले बैट का पिक्चर देख लो, इसे बोलते हैं बैट. ओके चिल्ड्रेन, देन क्या लिखा है, बैट्स हैव विंग्स बट दे डोंट हैव फैदर ऑन देयर बॉडी. जैसे हम लोग ने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था ना पिछले प्रीवियस वीडियो में, यस हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में अभी बर्ड्स के बारे में पढ़ा था. उनके पास, बैट्स के पास पंख तो होते हैं बट उनके पास फैदर यानी कि पंख नहीं होते हैं, फैदर, सॉरी सॉरी चिल्ड्रेन. सो देखो उनके पास पंख होते हैं पर हम लोग जैसे बोलते हैं ना, ये देखो चिड़िया का पंख गिरा है, सिर्फ वो एक ही पंख गिरा होता है ना, उसे फैदर बोलते हैं. ओके चिल्ड्रेन, मीन्स एक एक पंख, एक सिर्फ एक सिंगल पंख को हम लोग क्या बोलते हैं, फैदर. ओके सो ये क्या बोल रहा है कि ये जो बैट्स, ये जानवर हैं, इनके पास पंख हैं पर फैदर यानी कि एक जो उनका गिरा हुआ पंख रहता है ना नीचे, जैसे गिर जाता है, जैसे बहुत सारे कबूतर का पंख और बहुत सारे बर्ड्स का पंख गिर जाता है ना, मोर, सब लोग बोलते हैं देखो मोर पंख है, सो वही पंख इनका नीचे नहीं गिरता है. ओके चिल्ड्रेन, यंग वंस ऑफ बैट्स फीड ऑन देयर मदर मिल्क. बैट के जो बच्चे होते हैं, यंग वंस मतलब मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में ही बताया था, यंग वंस मीन्स बच्चे. ओके बैट के बच्चे, ये वो क्या खाते हैं, अपने खाते नहीं है, वो अपनी मम्मी का सिर्फ दूध पी के रहते हैं. ओके चिल्ड्रेन, देन नेक्स्ट, बैट हैव नॉट, बैट्स आर नॉट बर्ड्स लाइक क्रोस, पैरो, पैरेट एंड कॉक. सो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि बैट ये बर्ड नहीं है, जैसे क्रोस, पैरो, पैरोट, कॉक, इन सबको हम बर्ड बोलते हैं बट हम बैट को बर्ड नहीं बोल सकते. बैट को हम हमेशा एनिमल बोलेंगे. दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ काउ, टाइगर, डियर एंड माउस. बैट क्या है, ये किसके ग्रुप में इंक्लूडेड है, किसके ग्रुप में है, ये जो एनिमल्स होते हैं ना उनके ग्रुप में ये बैट है. ओके चिल्ड्रेन, सो आज के लिए बस इतना ही. आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है, समझनी है एंड अच्छे से रीड करनी है बस. ओके थैंक यू चिल्ड्रेन.